तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी होने लगी है पैकिंग, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पैकिंग, क्योंकि हमको निकलना है आधे घंटे में। तुम्हारा कौन सा बैग है? ये वाला छोटा। और रजा का? और रजा पी का। ये क्या लेके जा रही है इसमें? ये मम्मी तो बड़ा रजा बैग लेके जा रहे हैं। मेरा ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। हां अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदी सब के जा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ के ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सब एकदम ठीक है और हम निकलने लगे हैं जाने के लिए। चाय पियो जल्दी से फिर चलते हैं। मुंबई वाला रूट तो चलेंगे, जिस रूट में ट्रैफिक कम होगा वहां से चलेंगे। अच्छा लग रहा है ना। हम लोग निकलने लगे, जब भी मैं नीचे आती हूँ बातों में लग जाती हूँ, हमेशा देर करा देती हूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने चाय पी ली है, घर की चाय पी के अच्छा लगता है जाना। और इन लोगों से मैंने सबसे कहा था चलने के लिए, लेकिन अभी कोई नहीं गया है इस बार, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। वरना मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि फैमिली के साथ ही कहीं निकले, लेकिन चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज बेटी। आप लोगों को यही घुमा देंगे आके इंशाल्लाह। जी आज कोई रो नहीं रहा। रो भी तो गए थे एक दिन के लिए भाई। हाँ, चलो ऐसा ट्रिप पे। ये तो ऐसे जा रहे हैं, लंदन जा रहा हूँ। मेरा सूटकेस ब्लैक नहीं है बस। तुम्हारे मैचिंग के सूटकेस भी लेने पड़ेंगे भाई, क्या? देखो ना सब कुछ ब्लैक है। चलिए अपने ट्रिप पर करते हैं आगाज। yes, सब लोग सफर की दुआ पढ़ लो, ठीक है? सुबह से नाश्ता किसी ने भी नहीं किया था, सिर्फ मेरे अलावा लिया वड़ा पाव भी खाएंगे। वो ब्रेकफास्ट में ना घर पे पराठे बन के रखे हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं खाई होगी। सबको ये शौक है कि हमें रास्ते में कार में वड़ा पाव ही खाना है। ऐसे मैं नहीं खा रही हूँ। एक खा लो, एक अच्छा इतनी जिद कर रहे हैं तो खा लो। यार इसमें कुछ और चाहिए? नहीं। बिहार ने किसने मांगे? तीन, उसको तीन मिलेंगे। तुम्हारा एक एक शादी की फोटो। मैं एक पहला वाहिद शख्स हूँ जो अपनी शादी में ही कोई एंजॉय नहीं कर पाया। अपनी शादी में कोई एंजॉय नहीं कर पाता। 9 महीने 10 महीने बाद अब इन्हें याद आ रहा है कि इन्होंने अपनी शादी में एंजॉय नहीं किया है। वैसे कोई भी नहीं कर पाता, इन्होंने काम की वजह से एंजॉय नहीं किया। लड़कियों को तो पूरा आधे टाइम मेकअप कराना, मेहंदी लगवाना सबसे बोरिंग होता है। क्या एक बार शादी और कर लो? मैंने एक बार करे लाजम नहीं हो रहा है अभी। एक बार और कर लेना शादी। वैसे हमारे शादी में तुम लोगों ने एंजॉय किया था, अब तुम लोगों की शादी में हम करेंगे, हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सबने अपनी एक एक नींद पूरी कर ली है। सभा नहीं सोई, थोड़ा बहुत सोई होगी। अगर रिजा नहीं सोई, सोई है तू? नहीं सोई है, थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा सोई है। और रेहान तो बराबर सो रहा है, आगे वाले भी सो रहे हैं, मतलब सभी भाई छोड़ के बाकी भाई सोए तो हम सब सो जाएंगे। सब सो जाएंगे सही है। पहुँच चुके हैं फूड कोर्ट, कुछ कॉफी ये सब चीजें ले लेते हैं। अब ठीक है? हाँ एकदम से। और फ्रेंड्स मैंने लिए ब्लैक कॉफी। इन सब ने लिए अपने लिए कॉफी और मैंने लिए अपने लिए खजूर। वेलकम टू डेला। सभा इब्राहिम आपका स्वागत करता है डेला। आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ पहली बार आ रहा हूँ। कितना अच्छा है यार ये। यार अच्छा लग रहा है? हाँ भाई। डेला लव्स यू। हम भी बहुत प्यार कर रहे हैं डेला भाई तुम्हें। तो जो लोग अभी पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि हम लोग कितने बार डेला आए हैं, इतनी सारी मेमोरीज है। इस बार थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है क्योंकि फैमिली नहीं है और कडर भी नहीं है। सनी जो है वो पहली बार डेला देखेंगे इस बार। बहुत अच्छा लगा। अभी तो अंदर चलो फिर देखो। आप आए भारत भी आगे जी में हल्की हल्की। अम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, पापा को, भाई को, भाभी को, कटल को, सबको मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह रूहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आएंगे सबके साथ। संतोष भैया को एक आध और कोई नाम बाकी है? भाई के फ्रेंड सारे लोग से आए। मॉडल तुम्हारा नाम शू मास्टर नहीं अब से मॉडल। थैंक यू।
बन गया पूरा। तो ये सब तो बाद में होता रहेगा, देखना दिखाना, पहले चेक इन कर लेते हैं। नवरोज मुबारक। तो अभी हमारा सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, रूम की चलते हैं रूम में। रूम्स हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे, इस बार हमने नीचे लिए क्योंकि बच्चों का मन था नीचे जाना है, ऊपर कैंप में नहीं जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेल आए थे सरी तभी। हाँ। वाले रूम्स रुकते थे, उसके बाद हमेशा मोस्टली ऊपर ही रुकते थे। हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा है इस जगह की, अभी यहाँ पे कडल था। हमें अपना रूम नहीं मिलना, किधर है? ऊपर है मैम। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे हर जगह जगह फोटो क्लिक कराती थी। फ्रेंड्स इस बार यहाँ ऊपर मिले, लेकिन एंड मोमेंट पे प्लान बना है, तो फिर जो मिल गया उसी में अल्लाह का शुक्र है। फाइनली हमारा जो एक दिन का ट्रिप है वो स्टार्ट होता है, देखते हैं रूम कैसे मिले हैं। हम आ गए हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ये है सामने का व्यू। चलो अंदर। हाँ जी बिस्मिल्लाह। ये मेरा और वो तुम्हारा, तो फिर मेरा। आप नीचे? नहीं नीचे नहीं, मेरे साथ टीवी देख कर देखना। जब तुम अपना घर बनवाओगे कभी इंशाल्लाह, तो वॉशरूम में टीवी लगवाओ। यस एसी लगाऊंगा, टीवी भी लगाऊंगा, आते नाते देखेंगे टीवी। रिमोट से कर्टन खुल गए। अगर वो वाला अच्छा हो तुम लोग वो ले लेना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जो तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो शल्पी वो वाला ज्यादा बेटर है। रो भाई अब उनको वाला रूम पसंद आया, तो चलो वहाँ चलते हैं। अच्छा तो तुम लोग को ये रूम पसंद है? जी आओ नीचे ही है। और आओ सब ठीक, कल आ जाएंगे। अभी हम लोग डेला आ चुके हैं, और जो हमारा मेन था जिसके लिए हम लोग डेला आए हैं वो एडवेंचर पार्क के लिए। तो अभी हम लोग जल्दी से रेडी होते हैं और फिर हम लोग चलते हैं एडवेंचर के लिए। रेहान सिर्फ एक नाइट का स्टे है और इतने सारे कपड़े लेके आए हो एक्स्ट्रा? गया नीचे, ये कहाँ घूमा है नीचे? अरे आप वॉश करा दे। अरे मैं कर लूंगा भाई। तो एडवेंचर पे अब जाने लगे, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब मैं हल्का सा टेंट लगा रही थी, तो ये बोलता है एडवेंचर पे जाने से पहले कौन मेकअप करता है? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, एडवेंचर पे जाने से पहले कौन मुंह धोता है? मुंह ही तो धो रहा है, आप तो मेकअप कर रही हो। मेकअप नहीं किया, बस टेंट लगाया, शाम को रेडी होंगी मैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और आपके लिए तो पहली बार देखते हैं आप एडवेंचर पसंद करते हो नहीं करते। वो वाला करना लोमड़ी जोड़ती है, है जो लोमड़ी उड़ती है। फ्लाइंग फॉक्स? हाँ भाई फ्लाइंग फॉक्स। तुम क्या कर रहे हो? दूध पाउडर? चलिए निकलते हैं, उड़ाऊंगा लोमड़ी आज। हाँ तो भाई हैदराबाद से है, अच्छा लगा हमें भी मिलके आपसे। बच्चा कैसा? सब अच्छा है। हमारा नेक्स्ट हैदराबाद होगा, हैदराबाद आएंगे हमें जरूर। सनी रात में यहाँ पे आएंगे डिनर पे, तो अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर की तरफ। एक एडवेंचर जरूर करूंगी, जो पीछे बच्चे चला रहे हैं वो चलाऊंगी और साइकिल चलाऊंगी। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं टिकट लेने। तो गाइस सबसे पहला एडवेंचर है एटीवी राइड, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एटीवी करने के लिए। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम एटीवी वाले सेक्शन में। पासेस अलग है और एटीवी का हमें अलग से पे करना है। किसका क्या पे करना है मैं सब मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको भी पता चले। एटीवी राइड का पर पर्सन 600 रुपया है। समझ आ गया रेहान? चलो पी रेहान इधर। बिना गाड़ी के आ गए तो? नहीं बिना गाड़ी के नहीं आया, उसकी चेन टूट गई। मजा आया बहुत ज्यादा। रिजा को और कुछ एडवेंचर नहीं करते, घुमाना है डॉग्स को। एक डॉग चाहिए। कौन सा रे, कितने प्यारे हैं, क्यों बन रहे बेचारे बेटू? इसको लूंगी मैं। अरे बेचारे कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। फ्रेंड सनी और रेहान फ्लाइंग फॉक्स से आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। भाई डर लग रहा है ऊपर, इससे वाले कर ले यार। चल चल कोई नहीं, चल ऊपर वाले। ये फ्लाइंग फॉक्स से बहुत डर लग रहा है, लेकिन जाते हैं देखते कैसा होगा। हो रहे हैं यहाँ पे रेडी जाने के लिए, डर बहुत लग रहा है मुझे। रेहान मतलब कुछ नहीं होगा भाई, ऊपर वहाँ से जाना है और आगे वहाँ तक जाना है सच में यार। हार्ट अटैक आ गया ऊपर जाते। मेरे मौला मदद करना, डर तो इतना लग रहा है क्या बताऊं, लेकिन मजबूरी में जाऊंगी चक्कर भाई। रास्ता देखो हम लोग,
चल भाई रेहान जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत डर यहाँ से। मैं उनको तो बोल दूँ मेरे हाँ वो कर रही है ना हम लोग। देखिए फ्रेंड्स रेहान को बैठा दिया और अब वहाँ से देंगे धक्का। ओके ओके जाओ। आ गया ये देखिए। रेहान ने कर लिया फ्रेंड्स से सलामत पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। सनी कैसा लग रहा है? What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. सनी के पास चलते हैं फ्रेंड्स। रेहान मेरे भाई तुमने कर लिया, तुम इतने अच्छे से करते जा रहे थे, वेरी नाइस। एक और करना है। क्या बोलते सर रिकॉर्ड करना है आज। लेकिन मैंने कर लिया, फिर जा रहा हूँ करने एक बार। भाई पूछ रहे हैं ये वीडियो कब आएगा, तो मैंने बोल दिया परसों आएगा वीडियो। सब आए भाई वहाँ। 1 2 3 यस कम ऑन। वेरी गुड। और इस भाई ने हमारा वीडियो यहाँ पे निकाल दिया है, बाकी लोग वो भी आ रहे हैं। ओ भैया इरफान कम ऑन यार कम ऑन। आराम से आना भाई, गिर जाओगे वरना। एडवेंचर पार्क बंद होने में सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब थोड़ा हम लोग वाला भी कर लेने दो। और फ्रेंड्स बारिश भी आ चुकी है, कोई अपना सर मत भिड़ाना जोर से। मैं घूम जाऊँ तो प्लीज ढूंढ लेना, अलग अलग जाते हैं। अगर नहीं मिलो तो ढूंढ लोगे ना? नहीं यार, इतने लग गए तो मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? हाथ पकड़ लो ना, घूम जाओ। और अपना सर मत मारना, बंद कर दिया। साथ साथ चलना, हम लोग घूम लेंगे। ये कुछ नहीं, पूरा बंद नहीं है। हाथ मार मार के चलना, इधर आओ इधर खुला है, फिरना नहीं। तो अपनी खोपड़ी मार लो क्या सर? ये भी खुला है, वापस घूम जाओ। सनी प्लीज घूमना नहीं। मिल गया, मिल गया। इतनी जल्दी कैसे मिल गया? अरे नहीं मिला, मिला नहीं अभी। कहाँ देख रहे एग्जिट? ये पागल हो क्या? रेहान भी डरते हैं। एग्जिट के लिए पैसे लगवा दिए। आपने बहुत जल्दी ढूंढ दिया भाई, तुरंत मिल गया तो कोई क्या करे, सब कुछ बंद हो गया। जीरो पे मेरा तीर निशाने के बहुत दूर जाके लगा। अभी तेरा लग ही नहीं रहा निशाने पे, और निशाने पे खाली यही लगा है और कहीं नहीं लगा। अब लगा जाके एक आम का, एक आम का। और आपका कुछ नहीं? मेरा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, सही जगह तुम्हारा तीर लगा है। तो अभी आज का एडवेंचर खत्म हो चुका है क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। जो वीडियो बनवाए थे सनी ने वो यहाँ पे अभी यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो लेंगे। और रेहान के जूते और पहली बार बैठ के जाके। भैया लग चुकी है बहुत ज्यादा भूख क्योंकि ब्रेकफास्ट किए हुए हैं, अब कुछ खिला दो, भूख लगी रहे। अभी जाके मस्त नहाऊंगा फिर वहाँ पे जाके डिनर। फ्रेंड्स इसको कुछ नहीं है, इसका ध्यान मुंह धोने में नहीं, इसका ध्यान जूते धोने में लगा है। जब तक इसके जूते नहीं साफ हो जाएंगे इसका कहीं मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं रेहान के जूते खराब हुए हैं, किसी और के नहीं खराब हुए। जोश आ गया था चलाने में भाई, मेरे जूते गए बाहर, काफी गंदा होना होगा। मशरूम खराब कर देगा, उसे रूम में जाके करना बोलो। तो हमारा रूम कोई क्या कबाड़ खाना है क्या? हमारा रूम क्या कर लो, अपने रूम पे करो। चालू अप्पी को शूट करना पड़ता है ना, गंदा नहीं। चालू अप्पी करेगी हमारे रूम पे आके शूट, तुम लोग टेंशन मत लो। कैसा रेस्टोरेंट? हाँ पूल साइड में देखा है, पूल देख के खुश। इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आपको पता है कि सुबह से हो गया, इतनी मेहनत भी की तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हम यहाँ पे आ गए, फिर रात में डिनर करने भी आएंगे क्योंकि इतनी प्यारी जगह है, चले जाएंगे। पूल भी चलेंगे, नहीं जाएंगे पक्का, जाना है। और रेस्टोरेंट का वाइब जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत लोगों के लिए है, आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए है। और रेहान जो है वो अपने जूते धोने चला गया, वो रोके नहीं रुका। क्या क्या खाना जल्दी जल्दी सोच लो। Thank you.
बहुत मेहनत की मैंने। मैंने कहा यार खाने नहीं आया, लेकिन अल्लाह पूरा पानी गिरा दिया। डेला का जिम कितना प्यारा बनाया है ना। अरे मेरा ट्रीटमेंट तो हमारे घर पे भी है, प्लीज ऐसे मत करो लग जाएगी। किसी ने आके डांटा तो मैं भाग जाऊंगी। अरे नहीं डांटेंगे, फ्री है। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ऐसे में आके कोई कहते हाँ क्या काम है तो बड़ी बेइज्जती फील होती है। देखो रिजल्ट शूट मत करो, तुम लोग अगर टच करोगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। अब नहीं समझ में आ रही, आता नहीं है तो तब आता तो करो ना। आ रहा है कोई तुम्हें भगाने, बहुत एम्बेरस फील करा रही है लोग। मत करो लग जाएगी। रिजा से चप्पल पहन के नहीं चढ़ते, शूज पहन के करते हैं। अरे टेस्ट करो। मैनेजर बाहर आके चक्कर लगा रहे हैं, वो बस बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है तो रात का वक्त हो चुका है और इस वक्त सनी जो गए वो स्पा के लिए गए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आज एक चीज तो चलो पता चली कि ये तो बहुत ज्यादा ही हिम्मत वाला इंसान है, गुड रेहान। इसने इतना लंबा वाला फ्लाइंग फॉक्स कर लिया और सनी भी बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन वो ये बोला कि अब इज्जत का सवाल है। हम दोनों आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि टाइम चला गया था, तो कल करना। जो भी करेंगे वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हम सब ने बहुत मिस किया हमारी पूरी फैमिली को, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर सबके साथ जल्दी आएंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज कर लो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तुम्हारे बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तुम भी बोल दो, शायद तुम्हारे कहने से कर ले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ।